जब से सीढ़ी चढ़ रहे हैं। रांची के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो बड़ी बायस्ड हो चुके हैं। हेमा लव्स पुष्पा, ठोकिएगा ना जाके, ना बाल रहेगा ना गाड़ी, तेज बन रहे। अरे यार, यहाँ दारू वारू पीता है सब। सलाम वालेकुम बाजी, पत्थरबाजी वाजी हो रहा था। कलकत्ता, टाटा, बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो व्लॉग है वो एक ट्रैफिक जैम से स्टार्ट हो रही है। तो गाइज एक सेकेंड। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वॉचिंग सोलवेज विद आके भाई। होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो फिलहाल आज का सीन ऐसा है कि मैं आया हुआ था अपने दोस्त से मिलने के लिए और हम लोग का अचानक से प्लान बन गया जाने का टाइगर हिल, क्योंकि ऐसा स्पॉट हम लोग डिसाइड कर रहे थे जहाँ हम लोग गए नहीं हो। तो टाइगर हिल हम भी नहीं गए थे और वो भी नहीं गया था। तो ये स्कूटी है मेरे दोस्त की और मेरे बुलेट लेके गया हुआ भाई, तो आज इसके स्कूटी से ही मैंने सोचा कि व्लॉगिंग कर ले। और वैसा कोई सीन नहीं था, अचानक से प्लान बना और सेटअप था मेरे पास, तो सोचे कर लेते हैं व्लॉगिंग। और अभी हम लोग डेली मार्केट के पास, जो रांची का सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहता है रोड, ये मेन रोड है, तब पर भी सोचे यहाँ पे इतना क्राउड रहता है क्योंकि रोड बहुत पतला है। देख रहे कितना चौड़ा रोड है, यहाँ से वहाँ तक खत्म, टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप भी ठीक करके देता हूँ। ये है सब्जी मंडी, मस्त है यहाँ पे, बहुत सस्ता सस्ता में आपको सब्जी मिलेगा। सुबह में आइएगा तो और आपको भीड़ मिलेगा यहाँ पे। सुबह में आर्मी वाले लोग भी आते हैं पूरा बस लेकर, वो लोग भी उठाते हैं पूरा सामान अपना राशन कैंप के लिए। और यहाँ से है फल मंडी, पूरा मस्त मस्त फल आपको खाने के लिए मिलेगा जो जो आप। अभी हम लोग फिलहाल बजरंगबली के मंदिर के पास, यहीं पे कुछ दिन पहले हुआ था खतरनाक वाला मैटर, पूरा पत्थरबाजी वाजी हो रहा था, अच्छा खासा नुकसान हुआ था पब्लिक को, बहुत लोग गाड़ी वाड़ी थे, ओ माय गॉड, चचा दोनों तरफ से। तो गाइज अभी हम लोग है कचहरी के पास और हम लोग को यहाँ से जाना है मुरबादी। हाँ आइए आइए, बिना हेलमेट के तेज बन रहे हैं। तो गाइस हम लोग थे अभी कचहरी के पास और चचा बन रहे थे तेज, और यहाँ से हम लोग को जाना है मोराबादी के तरफ, क्योंकि उधर ही से निकलेंगे हम लोग टाइगर हिल के लिए। ट्रैफिक सिग्नल तो है नहीं, चलिए पार कर लेते हैं। सलाम वालेकुम बाजी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मोराबादी और आप देख सकते हैं मोराबादी कितना सुनसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब से स्टॉल नहीं लग रही है काफ़ी टाइम से। तो गाइस पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे मुझे इफ़ेक्ट हुआ है काफ़ी। रांची के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो बड़ी बायस्ड हो चुके हैं एक कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि रांची में कुछ दिन पहले हुआ था उर्स, उर्स का मेला लगा हुआ था रिसालदार बाबा के मज़ार में जो कि डोरेंडा में है। तो वहाँ पे अभी तक मैंने ना कोई सोशल मीडिया पेज में देखा, ना यूट्यूब पे, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई भी रांची का बड़ा पेज जो है वो डाला हो मज़ार से रिलेटेड या जो इवेंट हो रहा था उससे रिलेटेड। रांची का सिर्फ एकमात्र पेज है जो इंस्टाग्राम का है, रांची अपडेट, उन्होंने अपडेट डाला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वो छोटा इवेंट था या कुछ वैसा, वहाँ आए हुए थे CM रांची के चादर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ के जो रांची के इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो लोग सारा कुछ कवर करें। अगर वो लोग रांची के बारे में दिखा रहे हैं तो वो लोग सारा कुछ कवर करें, तो वैसे क्या रहता है कि अच्छा भी लगता है और किसी कम्युनिटी या किसी इंसान को बुरा नहीं फील होता हो। ये ऐसा मैं व्यूज़ या किसी कॉन्टेंट बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर आप भी देखें, अगर थोड़ा मैच्योरली सोचें तो आपको भी ये चीज़ दिखेगा। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा है तो ज़रूर मेरे बातों पर गौर करे। गाइस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा है गूगल मैप पे, 650 मीटर दिखा रहा है लेफ्ट लेना है। और ये भाई ना बिना हेलमेट के अपना बाल लहराते हुए पूरा कटिंग मारते हुए चल रहे हैं, ठोकिएगा ना जाके, ना बाल रहेगा ना गाड़ी, तेज बन रहे। रांची का मौसम मस्त हो गया एकदम, धूप उतना लग नहीं रहा शरीर में और शाम होते होते ठंडा लगने लगता है, तो अच्छा वाइब आ रहा है। ऐसे ही रहे मौसम, बस इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होने तो फिर दिक्कत हो जाता है बहुत। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टाइगर हिल, अब यहाँ देखते हैं कि क्या सीन है स्कूटी लगाने का। वैसा तो कुछ पार्किंग वार्किंग का सीन दिख नहीं रहा, यहाँ पे लगा हुआ है गाड़ी,
पार्किंग आप ही लेते हैं क्या? क्या अच्छा पार्किंग वहाँ पे? ओह जस्ट बगल में यहाँ पार्किंग है। भीड़ तो काफी है देख के लग रहा है बाइक सब। तो गाइस ये है एंट्रेंस और यहाँ से जाना है हम लोग को अंदर। काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो ये देखे यहीं से दिख रहा है बहुत सारा सीढ़ी। तो चलते धीरे धीरे ऊपर क्योंकि बहुत ऊपर उस तरफ तक जाना है हम लोग को। यहाँ पे एक है म्यूजियम जो कि बंद है। इसका गेट खुला हुआ है पर गेट के आगे में एक और बैरिकेड लगा हुआ है ये देखे। तो अंदर जाने का कोई हिसाब है नहीं और अंदर भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। अरे यार यहाँ दारू वारू पीता है सब। ये देखे म्यूजियम को, म्यूजियम में दारू पी रहे भाई लोग बहुत जोर होगी। दीवार में बना हुआ बहुत ही मस्त आकृति सब और ये सब पहाड़ काट काट के बनाया है, मस्त बनाया। और यहाँ पे म्यूजियम ही का रूम है पर यहाँ देखिए आप ये पूरा अबैंडेंड हो चुका है, पूरा खाली। तो गाइस ये देखिए दीवारों पर ना लिखे रांची के बॉयज लोग और गर्ल्स लोग पूरे नॉटी हो गए, पूरे भर दिए दीवार पे हेमा लव्स पुष्पा। ये देखिए गाइस कितना प्यारा प्यारा पौधा है और आप ये चेक करें कि कितना खतरनाक व्यू है यहाँ से। पूरा बरियातू दिख रहा है यहाँ से। थोड़ा सा ऊपर हम लोग को और चढ़ना है तो हम लोग चढ़ते हैं और फिर वहां का व्यू दिखाएंगे तो खतरनाक लगेगा वो व्यू। हम तोड़ गए जब तुम जगे तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालम आप तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थालम आप तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो गाइस ये चेक करें आप लोग कितना खूबसूरत है ये व्यू, वर्थ करता है ये पहाड़ चढ़ना। हाँ थक गए थोड़ा पर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। थोड़ा सा और ऊपर जाना है, वो जो मंदिर आपको दिख रहा है ना वहाँ हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। और ये पौधा देखे कितना अच्छा लग रहा है। जब से तब से सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और ऊपर मेन व्यू दिख रहा है यहाँ से, मेन व्यू वर्थ इट हो आई विश। ये जो फ्लैग्स है इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, अब मेरे दोस्त को भी याद नहीं है, बोल रहा है भूटिया फ्लैग्स बोलते हैं इसे। अब ये भूटिया फ्लैग्स है या मुझे चूतिया बना रहा है वो मुझे नहीं पता। ये है टाइगर हिल का टॉप पॉइंट और यहाँ से व्यू है कुछ इस तरह का। अभी तो करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं, खतरनाक गर्मी लग रहा है। सुबह में 5-6 बजे आने में सही सीन रहेगा, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे है बैठने के लिए, ये एक मंदिर जैसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे लोग अगल बगल काफ़ी बैठे हुए हैं और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है। और यहाँ है काफ़ी खजूर के पेड़। अब पहाड़ के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ से पूरा रांची पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो गाइज अगर आप लोग आ रहे हैं टाइगर हिल घूमने के लिए तो पानी ज़रूर लेकर आए क्योंकि यहाँ अंदर तो कोई हिसाब नहीं है ना पानी का ना कुछ खाने का। नीचे एक होटल था
होटल हिल टॉप ऐसे कुछ नाम है उसका, तो वहाँ से पानी लेना नहीं भूले क्योंकि हालत ख़राब हो गया अभी, पूरा हालत ख़राब। तो गाइस आज की व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये टाइगर हिल का ट्रिप बहुत अच्छा लगा हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कहीं नए डेस्टिनेशन पे। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।